अगर इस दुनिया की तारीख पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने बास कौमों को मुख्तलिफ गुनाहों की पादाश में सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। वो कौमें हम जिन्स परस्ती, जुल्म, अल्लाह से बगावत जैसे बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थे। ये वो कौमें थी जो अपने दरमियान अल्लाह के भेजे पैगम्बरों की बातों को जुटलाते और अपनी मन मानी करते। आज का दौर भी उन कौमों के दौर से मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि आज भी शैतानी आमाल आदम की औलाद सरे आम करते नजर आते हैं। सऊदी अरब, जहां अल्लाह का मुबारक घर काबा मौजूद है और जिसकी बुनियाद पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सरजमीन अरब इंतहाई मुकद्दस मुकाम रखती है, ये वो मुकाम है जहां एक इंसान आकर भूल जाता है कि वो किस कौम से है या किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। उसे याद होता है तो सिर्फ ये कि वो सब मुसलमान है। लेकिन आज भी वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अबू जहल के नक्शे कदम पर चलने में मसरूफ़ हैं और इस मुबारक सरजमीन पर उन तमाम शैतानी आमाल का बायस बन रहे हैं जिनकी वजह से माजी में अल्लाह ने बहुत सी कौमों को तबाह कर दिया था। ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब सऊदी अरब में मक्का मुअज्जमा से कुछ फासले पर दो सऊदी नौजवान सरेआम एक दूसरे के साथ शर्मनाक हरकत करते नजर आए। लेकिन ये वाहिद वाकया नहीं था, बल्कि इसके बाद सऊदी पुलिस ने कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जो सऊदी अरब में एक हमजिंस परस्त जोड़े की शादी में शरीक थे। ये तमाम वो आमाल हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ने कौमी लूत को एक सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया था। सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे शर्मनाक आमाल का होना एक बहुत बड़ी तबाही को दावत देना है। जहां एक तरफ शैतानी ताकतें तमाम मुसलमानों पर टूट पड़ी हैं, वहीं हम मुसलमान उन्हीं शैतानी आमाल को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने पर तुले हैं। ये दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऐसे वाकयात भी देखने को मिल रहे हैं जो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। पिछले दिनों एक अमरीकी आर्टिस्ट लुई नेस एक्स ने अपनी एक म्यूजिक वीडियो रिलीज की जिसमें वो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करता नजर आया और उसी शैतानी थीम को जारी रखते हुए नाइकी कंपनी ने 666 जूते मार्केट में लाने का ऐलान किया। ये नंबर 666 इन शैतानी तंजीमों की एक अलामत है जिसे ये लोग शैतान का नंबर या दजाल का नंबर मानते हैं। ये जूते 1018 पाउंड्स में फरोख्त किए गए जो बाइबल की एक आयत का हवाला है जिसमें शैतान को जिला वतन करने की बात की गई है। बाइबल की इस आयत का हवाला इन जूतों पर भी दिया गया है और ये पूरी आयत इन जूतों के डब्बे पर मौजूद है। फिर इन जूतों के ऊपर और अंदर एक पेंटाग्राम बना हुआ है जो इन तंजीमों की एक और शाख काले जादू को जाहिर करता है। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इन जूतों में इंसानी खून के कतरों को भी शामिल किया गया। शैतानी जूतों के सोल में मौजूद सुर्ख रंग में इंसानी खून शामिल है जो आर्ट कलेक्टो कंपनी के अराकीन ने रजाकाराना तौर पर दिया है। अब इसमें खून शामिल करने का मतलब भी यही है कि ये शैतानी लोग जिनका इन शैतानी तंजीमों में शमूलियत ही खून से होती है, यानी इन्हें हल्फ उठाते वक्त इंसानी खून पेश किया जाता है,
तो ऐसे में इन जूतों में खून दिखाने का इनका मकसद ही यही है कि जिस तरह हमने पहले दुनिया को खून में नहलाया था, मुस्तकबिल में भी दुनिया में खून की होली खेली जाएगी। ये बीमारियां, ये आफात, ये जुल्म सितम, ये सब इन शैतानी तंजीमों का एक बड़ा मकसद है जिसके तहत ये अपना नया कानून बनवाने जा रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इन्हीं के अंडर काम करते हैं और ये उन ब्रांड्स के जरिए ही अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। नाइकी ने अमेरिका की ही एक और कंपनी MSHF के साथ मिलकर हाल ही में इन शैतानी जूतों को फरोख्त के लिए पेश किया और हैरानकुन तौर पर कंपनी के तमाम 666 जोड़े महज एक मिनट में फरोख्त हो गए थे। ये लोग शैतान और इनकी शैतानी तंजीमों को लोगों में आम कर रहे हैं और यही वजह है कि मीडिया पर आज हर जगह इनकी शैतानी अलामात की बरमार है। इनका असल मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को टारगेट करना है कि जब वो आएंगे तो लोग उन्हें अपना मसीहा नहीं बल्कि अपना दुश्मन समझें और दज्जाल, जो असल में इंसानों का दुश्मन होगा, उस पर ईमान लाकर उसकी शैतानी फौज का हिस्सा बन जाए। इन जूतों को डिजाइन करने वाले फखर से कहते हैं कि हमने इन जूतों में इंसानी खून भी शामिल किया है और इन जूतों को सैटन यानी शैतानी जूतों का नाम दिया गया है। शैतान परस्ती की ये कोशिश पहली बार नहीं बल्कि जिस दिन से इन शैतानी लोगों ने दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है तो ऐसे वाकयात रोज सामने आते रहते हैं और आज के बेबस इंसान इनके सामने कुछ बोलने की ताकत नहीं रखते या फिर इनके बोलने की ताकत खत्म की जा चुकी है। क्योंकि एक तरफ इस्लाम के किले में हम जिन्स परस्ती को लाने की कोशिशें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ अपनी शैतानी प्रोडक्ट्स के जरिए शैतान को एक खुशनुमा और इंसान दोस्त दिखाने की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी हैं। जैसे इन्हीं शैतानी लोगों के तैयार करदा एक टीवी शो लूसिफर में भी शैतान को एक हैंडसम इंसान की शक्ल में दिखाया गया जिसका मकसद लोगों के जहनों में शैतान का बुरा किरदार खत्म करके शैतान को एक हीरो के तौर पर दिखाना है। इनका ये खेल खत्म नहीं हुआ बल्कि हर रोज इनके इस शैतानी खेल में नई नई चीजों का इजाफा हो रहा है। ये तमाम बातें हमें कयामत की उन निशानियों की तरफ मुतवज्जा करती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम उन निशानियों के पूरा होने के इंतजार में हैं या फिर अपनी हलाकत का तमाशा इन शैतानी कामों को देखकर और चुप रहकर कर रहे हैं।